इस खबर के प्रायोजक हैं एमएसडी ग्रुप एंड एजुकेशन। एडमिशन ओपन। जहां दो दिन पहले ही मॉनसून आने की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई थी, वहीं अब बारिश के कहर से लगातार जनहानि और नुकसान होने की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। दो दिन से लगातार अलीगढ़ में मूसलाधार बारिश के कहर से तहसील इगलास के अलग अलग गाँवों में काफ़ी नुकसान होना बताया जा रहा है। साथ ही अब तक दो दिन में एक मृत्यु व एक घायल सहित दो मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। दरअसल मामला अलीगढ़ ज़िले के तहसील इगलास के कस्बा गोरई के गांव घड़ी बूचा का है, जहां तेज़ मूसलाधार बारिश के कहर ने दो किसानों के सर से छत का साया उठा दिया। दो दिन से पड़ रही बारिश के कारण दो घरों के गाटर व पत्थर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि धमाके की तरह मकान गिरने की आवाज़ हुई तो बारिश में लोगों ने जाकर देखा तो हरीश कुमार और करण खान के मकान गिरे पड़े थे, जिसमें हरीश कुमार बाल बाल बच गए और करण खान मकान से बाहर होने के वजह से बच गए। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने लेखपाल और प्रशासन के उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक पीड़ित ग्रामीणों को किसी भी तरह की मदद का कोई आश्वासन नहीं मिला। समस्या थी कि बारिश पड़ रही थी, बहुत तेज बारिश थी और जैसी बारिश पड़ी तो मकान हल्की आवाज हुई और मकान पूरा ढह गया है। कितने को चोट आई है, किसी चोट वगैरह है? चोट तो फिलहाल किसी को नहीं है, क्योंकि जैसे आवाज हुई थी मैं अपनी खाट को लेकर चला गया। मैं सो रहा था यहाँ पर अंदर और खाट में चला गया, लेकिन मेरा पूरा सामान था, पूरा सामान बेकार हो गया, ढह गया। और अब कितने बच्चे हैं आप? मेरे दो बच्चे हैं और मैं एक प्राइवेट में काम करता हूँ और मेरे पढ़ नहीं है, कोई काम नहीं हो सकता मेरा, और मैं सरकार से बाहर करता हूँ कि मेरी कुछ मदद करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार है, मेरा गांव घड़ी ऊँचा है और ज़्यादा दिक्कत है मेरे को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और दो साल से कोरोना से बहुत परेशान हूँ मैं। ग्राम पंचायत वासवाली से, मेरी माता जी प्रधान है, मैं उनका पुत्र। उन्होंने हरीश कुमार ने मुझे सूचना दी, मैं मौके पर मुआयना करने गया और मैंने लेखपाल जी को सूचना भी दे दी है, उनसे बात हुई, ये कह रहे कि मैं आ रहा हूँ और इनको जितना भी जल्द से जल्द लाभ दिलाया जाएगा। उच्च अधिकारी संज्ञान भी डाला है आपने कुछ? उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मैं बात करूँगा अभी, उनसे उनके संज्ञान में भी डालूँगा, लेखपाल जी से बात हुई है। जैसे कि लगातार बारिश हो रही है, आपके ग्राम पंचायत में कितनी नज़र है ऐसे मकानों को गिर रहे हैं? मकान मेरे संज्ञान में दो मकान आए हैं, एक हरीश कुमार सनौ बीकम्बर और एक मकान है किरण खां सनौ इस्माइल खां। दो मकान मेरे संज्ञान में आए हैं, जैसा भी आएगा और आपको बताया जाएगा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।